हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम जा रहे हैं चंडीगढ़ से मनाली और हमने ये सुबह 9 बजे हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसमें हम आपको सारा बताते रहेंगे कैसे रोड कंडीशंस हैं मनाली के रास्ते में और क्या क्या बीच में आने वाला है, हम सारा इसमें आपको अपडेट करेंगे। तो बने रहिए साथ में। चंडीगढ़ से निकलने के बाद तो ये पहला टॉल आया है जो कि कुराली टॉल रोड है। सो गाइस, हम पहुंच गए हैं कीरतपुर साइड। तो यहाँ से जो डाइवर्जन है, जो राइट में हमें जाना है मनाली के लिए, तो ये जो फ्लाईओवर है वो सेंटर में बना हुआ है मनाली के लिए जो हमने लेना है। तो मेक श्योर करना यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल राइट साइड में एक फ्लाईओवर ऊपर की तरफ जा रहा है जिसपे हमने ड्राइव करने का कार, इस पर मैंने मार्क भी कर दिया है। तो इस पॉइंट पर बिल्कुल आपने ध्यान देना है जब भी आप इस साइड आ रहे हो।
है सेकंड टोल प्लाजा पे, चंडीगढ़ से निकलने के बाद ये सेकंड टोल प्लाजा आ रहा है। लास्ट वाला 60 रुपीज़ था, ये वाला 150 रुपीज़ है जो कि ये टोल लेंगे। इसके बाद ये पूरा सुंदर नगर आने वाला है, इसमें हम हिमाचल है ऑलमोस्ट एंटर हो गए हैं। इसमें इन्होंने 150 रुपीज़ डिडक्ट करे हैं टोल में। बाकी अब हम ये पंजाब और हिमाचल का बॉर्डर आ गया, बस उसके बाद अब हिमाचल शुरू होने वाला है। सामने आप पहाड़ देख सकते हो, यहाँ से अब 4.5 घंटे दिखा रहे हैं मनाली के लिए, जो कि 187 किलोमीटर रह गए हैं। बस अब ये हिमाचल स्टार्ट हो गया सारा। हिमाचल के एंट्री पे आ गए हैं, यहाँ पे 50 रुपीज लेते हैं एंट्री के। हिमाचल एंट्री के टोल ये 60 रुपीज़ डिडक्ट करे हैं उन्होंने। ये कैश और कार्ड पेमेंट होती, फास्टैग भी चलता है यहाँ। ये हम एंटर करने वाले हैं टनल नंबर 1 हिमाचल के अंदर आने के बाद। टनल नंबर 2 हम पहुंच गए हैं। ये नंबर 1 और नंबर 2 टनल बहुत आसपास ही है, यहाँ थोड़ा जाम हो रहा है क्योंकि ये 1 लेन है, तो एक टाइम पे एक ही गाड़ी जा सकती है। बाकी आज आर्मी के ट्रक्स भी बहुत ज़्यादा जा रहे हैं, तो इनकी वजह से भी थोड़ा जाम लगा हुआ है आज। ये वाली छोटी टनल थी पहले वाली के अकॉर्डिंग, और ये थोड़ी बड़ी भी बना रखी है, वो थोड़ी छोटी टनल थी। आने वालों के लिए काफ़ी लंबा जाम है, बिकॉज वहाँ पे पीछे एक ट्रक ख़राब हो गया, उसके चक्कर में लाइन लगी हुई है, 1 बाय 1 निकाल रहे हैं वो। तो अब थोड़ी देर ड्राइव करने के बाद हम पहुँच गए टनल नंबर 3 पे। ये भी आई थिंक छोटी लग रही है, बाकी देखते हैं कैसी रहेगा। ये भी बड़ी बनी हुई है एंड छोटी है, सामने आप देख सकते हो बिल्कुल उसका एंडिंग पॉइंट भी दिख रहा है। बस एक स्पीड को लेके यहाँ पे होता है कि स्पीड में अगर हम गाड़ी चलाएंगे तो, क्योंकि अदरवाइज यहाँ पे कैमरास लगे हुए हैं तो चलान भी हमारा हो सकता है। तो स्पीड का एक बार आप प्लीज़ मेक श्योर करना, जब भी आप आओ अपनी गाड़ी स्पीड लिमिट के अंदर ही चलाएं, क्योंकि यहाँ पे हर थोड़ी थोड़ी दूर बाद स्पीड मीटर्स लगे हुए हैं जो आपके चलान करा सकते हैं। तुझे मिलना पड़ेगा बस।
सतलुज रिवर के ऊपर है, आप देख सकते हो इसके नीचे सतलुज रिवर जा रही है। तो हम एंटर करने वाले हैं टनल नंबर 4 में। अभी तक ही रोड्स काफी क्लियर मिली है, कहीं मतलब कोई भी ऐसा पैच नहीं है जहाँ पे रोड बहुत ज्यादा खराब हो अभी तक तो। ऐसे मतलब पूरा 4 लेन हाईवे है ये, जिसमें स्पीड मीटर्स लगे हुए हैं ऊपर, आप देख सकते हो, तो स्पीड में चलाना बहुत जरूरी है। बाकी रोड की कंडीशन बहुत ही ज्यादा परफेक्ट है अभी तक। टनल नंबर हमने 4 क्रॉस किया है, अभी तक कोई ऐसी खराब सड़क नहीं आई है। टनल नंबर 4 के बाद हम टनल नंबर 5 एंटर कर चुके हैं। ये भी थोड़ी है लंबी टनल। यहाँ पे थोड़ी लैंडस्लाइड हो रखी है, तो इस चक्कर में डाइवर्जन दे रखी है इन्होंने, तो 1 वे किया हुआ है।
पहुंच गए हैं मंडी, चंडीगढ़ से निकले थे हम 9 बजे, अब बज गए 12:30, तो 3.5 घंटे लगे हमें मंडी पहुंचने के लिए। तो ये सामने आप देख सकते हो ISBT मंडी का बस अड्डा है, सारी बसेस जहाँ भी मेन स्टेट्स की होती हैं यहाँ से मिल जाएंगी आपको। अब नेक्स्ट स्टॉप आएगा हमारा कुल्लू एंड फिर उसके बाद मनाली। रास्ता खराब मिल रहा है हमें, उसमें सारे पत्थर गिरे पड़े हैं, लैंडस्लाइड हो रखी है काफी, बहुत ज्यादा अगर लैंडस्लाइड हो रखी है, रास्ता बहुत खराब है यहाँ पे। और अभी काम भी चल रहा है यहाँ पे, क्रेन्स लगी हुई है रास्ता क्लियर करने के लिए। Thank you.
अभी ऑलमोस्ट 86 किलोमीटर्स रह गया है यार, जो कि अब इसमें 2 आवर्स का टाइम यहाँ पे दिखा रहा है। एस्टिमेटेड टाइम ऑफ अराइवल जो है 2 आवर्स है मनाली का। हम संडे को आए हैं, संडे को हमें अभी तक कहीं जाम नहीं मिला है, बहुत क्लियर ट्रैफिक है, बहुत ही कहीं मिनिमल सी जगह पर स्लो मूविंग मिला होगा, अदरवाइज ट्रैफिक हमें कहीं नहीं मिला है। बीच पे ये टनल्स भी आती हैं, जिसमें ये टनल्स अभी ऑपरेशनल नहीं है, अभी बन रही हैं ये, तो यहाँ से राइट साइड से रास्ता निकल रहा है इसका। सो कंडोर डैम पहुंचने के बाद ये रास्ता थोड़ा ख़राब सा लगा है, जिसमें एक साइड ये पहाड़ चट्टाने बनी हुई हैं और राइट साइड में रिवर जा रही है, बिल्कुल नीचे खाई है। तो बस यहाँ पे मनाली के पूरे रास्ते में बस यही एक डिफ़िकल्ट रास्ता है, जहाँ पे हमें देख के ड्राइव करनी है जाते हुए भी और आते हुए भी। बाकी इससे पहले जो टनल अंडर कंस्ट्रक्शन दिखाई थी, जब वो बन जाएगी तो उसके बाद हमें इस रास्ते पर आना नहीं पड़ेगा, तो बहुत स्मूथ वे बन जाएगा निकलने के लिए, ये रास्ता ईजिली क्रॉस हो जाएगा, फिर इस साइड आने की ज़रूरत नहीं है। बाकी अंटिल जब तक ये रास्ता ओपन है, हमें जाते हुए आते हुए बिगिनर्स को ज़्यादा दिक्कत आएगी, बाकी जो यूजुअली आते हैं यहाँ पे पहले आ चुके हैं उनको दिक्कत नहीं आएगी। बिगिनर्स जो पहली बार ड्राइव करना चाहते हैं इस रूट पे, उनको थोड़ा केयरफुल होना पड़ेगा। ये आप देख सकते हो पूरा एक राइट साइड में खाई है, कहीं कहीं बीच में ये स्टील की फेंसिंग जो हो रखी है वो है, कहीं नहीं है, तो बहुत डिफिकल्ट है। तो हम फाइनली पहुंच चुके हैं टनल नंबर 11 में। ये टनल नंबर 5 के बाद सीधा 11 इसलिए आते हैं क्योंकि बीच के टनल अभी बन रहे हैं, तो सारे ऑफ रूट कनेक्ट नहीं हुआ है अभी, ये साइड से आते हैं, तो सीधा टनल नंबर 11 स्टार्ट होती है यहाँ पे। अभी ये भी बिल्कुल कुछ दिनों पहले ही स्टार्ट हुई है और ये मेरे ख्याल से अब तक की चंडीगढ़ से मनाली जब आप आ रहे हैं तो अब तक की सबसे बड़ी टनल है, जिसमें 2-वे लाइन है। आई थिंक ये बड़ी भी बहुत ज़्यादा है, काफ़ी लंबी टनल है ये। टनल नंबर 11 के साथ में ही टनल नंबर 12 बना रखी है उन्होंने, कनेक्टेड है ये भी, बस बीच में छोटा सा एक पैच है जो ओपन है, ये भी सिमिलर ही है, काफ़ी खुली चौड़ी टनल बना रखी है, अब तक की बेस्ट टनल है ये। तो ये ऑलमोस्ट 2-3 मिनट्स बाद जाके टनल एंड हो रही है, इतनी लंबी टनल है ये, और इसके बाद तो बिल्कुल ही बड़े बड़े पहाड़ और आ गए हैं और साफ सुथरी सड़क, बहुत ही नीट एंड क्लीन है, अभी बिल्कुल न्यू डेवलप हुआ है ये। थोड़ी सी ड्राइव करने के बाद टनल नंबर 13 भी आ गई है, इस पर स्पेशली मेंशन किया हुआ है स्पीड लिमिट 50 है, बट कोई चला नहीं रहा है आई थिंक,
यहाँ पे भी स्पीड कैमरा नहीं लगे हैं, ये भी चौड़ी वाली है जैसे पहले थी 11 और 12 वैसे ही सेम 13 है। बढ़िया खुली टनल बना रखी है, सारा रास्ता आधा तो इसी में कवर हो गया है हमारा। नहीं तो यही अगर हम बाहर से जा रहे होते तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक और टाइम लगता हमारा, तो ये काफ़ी टाइम बचाता है। हो गई है और आई थिंक ये पहले बंद कर रखी थी बिकॉज यहाँ पे लैंडस्लाइड हो गई थी तो रास्ता सारा बंद हो गया था। अब ये रास्ता क्लीन हो गया है तो इसलिए ओपन हो गई है। यहाँ पे आप देख सकते हो सारे पत्थर ही पत्थर पड़े हुए हैं, तो ये लैंडस्लाइड की वजह से इसका काम चल रहा था, तो ये टनल बंद करी हुई थी पहले, जो कि अभी 4 से 5 दिन पहले ही खोली है। सबसे पुरानी टनल है जो पहले टाइम में बना रखी है और ओल्ड तरीके से बनी हुई है। इसका स्ट्रक्चर आप देख सकते हो बिल्कुल ही पुराने टाइप का है। फाइनली हम पहुंच गए हैं कुल्लू और यहाँ पे साइड में सारे राफ्टिंग होती है। ये इधर ब्यास रिवर जा रही है और सारे यहाँ पे राफ्टिंग वाले बैठे हुए हैं, उस चीज़ का यहाँ पे जाम हो रहा है, तो कोई भी आ रहा है तो यहाँ पे आप लोग राफ्टिंग कर सकते हो। इसलिए धन्यवाद।
भाई मनाली पहुंच गए हम। पूरे 4 बजे हम यहाँ पहुंच गए हैं। 9 बजे निकले थे, 4 बजे पहुंच गए हैं। आराम से थोड़ा बीच में ट्रैफिक मिला था और यहाँ पे तो बड़ा अच्छा मौसम हो रहा है एंड ट्रैफिक बिल्कुल नहीं है फिलहाल, कि एज हम संडे को आए हैं। मनाली में आके थोड़ी सड़कें ख़राब मिली हैं हमें, बस हम होटल जा रहे हैं अपने तो उसके ऑन द वे में है तो सड़क बहुत ज़्यादा ख़राब है यहाँ पे, तो इस चक्कर में जाम भी बहुत है। सकते हो सारा रास्ता ही खराब किया हुआ है। तो फाइनली गाइस हम पहुंच गए हैं मनाली। चंडीगढ़ से ड्राइव करने के बाद 270 किलोमीटर, हमें ऑलमोस्ट 6 to 7 hours लगे पहुंचने के लिए यहाँ पे। तो मनाली पहुंच के हमने होटल लिया है पालचन में, नियर बुरान कैफ़े। अगर आप यहाँ पे आए हो और आ रहे हो तो बुरान कैफ़े के पास में हमारा वेलकम होटल बाय ITC है जो हमने लिया है। तो ऑलमोस्ट हम वहाँ पहुँच गए हैं। बाकी इस व्लॉग को हम यहीं एंड करते हैं और जल्दी मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, बिकॉज हम कल जा रहे हैं सीसू एंड कोकसर की साइड। तो जैसे भी हम वो भी कवर करेंगे तो उस अकॉर्डिंग आपको अपडेट करेंगे वहाँ पे क्या है, स्नो कैसी है, रास्ते कैसे हैं, सारा उसमें एज इट इज़ जैसे इस वीडियो में हमने रास्ते दिखाए, रोड कंडीशंस दिखाई है, वैसे ही उस वीडियो में भी मिलेगा। तो बने रहिए हमारे साथ। अभी के लिए हम इसको एंड करते हैं, मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू।